माननीय आदरणीय खट्टर साहब ने एक रांडा पेंशन शुरू करी थी अपनी सुविधा तो देख ली उसने सीएम साहब ने, उन्होंने रांडा पेंशन शुरू कर दी। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते, रांडे की तो एक वोट होती है, उस दिन भी मनमाना रांडा तो दारू पी का पड़ा रहा है, वोट मारी है बैठ है, है जो हम फैमिलियर है जो परिवार नायब सिंह सैनी के को है कसूत फीलिंग आ रही है। सर आपने तो फीलिंग ले ली सीएम बनके, क्योंकि जब पत्रकार ने पूछा किसी ने कि कैसा लग रहा है तो सीएम साहब ने कहा कि पूरी फीलिंग आ रही है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने गुलदस्ते लेंदे आंदे हैं, असली गुलदस्ता यो करीम है, यो करीम जो हरियाणा का भविष्य है। झूठी बातें झूठी बकवास, अब युवा जाग चुका है, अपनी बात सड़क से उठाना शुरू कर चुका है। हम ले रखे हैं बहुए बोतला ले रखे ना, जब नू देखो ना हरियाणा का युवा जब सड़क पा जाए है तो इसका मतलब के है जेनुअन आवाज, ये को गाड़ी हम भरके को ले रखे। हरियाणा पुलिस की भर्ती सिटी से बाहर करो, हरियाणा पुलिस की भर्ती सिटी से बाहर करो, 56 पूरी करो, पीसीटी पूरी करो, पीजीडी पूरी करो, फायर ऑपरेटर भर्ती पूरी करो, फायर ऑपरेटर भर्ती पूरी करो, पीजीडी भर्ती पूरी करो, 56 तो भाई देखो बेरोजगारों की बारात है जो आज पूरे करनाल शहर में जो सीएम के हाउस तक है जो निकाली जाएगी। तो देखो भाई जो एक नहीं दो नहीं तीन नहीं दस पूरे जो सभी के सभी जो बेरोजगार दूल्हे हैं जो फिलहाल देख लग रहे हो, एक बार तस्वीरों को शेयर जरूर करियो भाई। तस्वीरें हैं जो आप करनाल देख लग रहे हो, करनाल के करण पार्क में थे जो दूल्हे, और देखो भाई जो घोड़ी पे है जो दूल्हे बैठ लिए है आप देख लग रहे हो, जो घोड़ी पे दूल्हे बैठ लिए है, और देखो भाई दूल्हों की संख्या है जो आप देख लग रहे हो बिल्कुल चारों तरफ है, जो सारे 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 है जो आपने देख लग रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार जी, मैं करनाल से हूँ जी। हाँ जी, पूरा मामला जो कैसे गया देखो कितने सारे दूल्हे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या करें जी, बेरोजगारों की बरात है जी ये, बेरोजगार बेरोजगारों की बरात में इतने दूल्हे तो इकट्ठे होना पड़ता है जी, अगर इनको रोजगार 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 की वजह से यहाँ इकट्ठे हो रहे जी, जो हमको रोजगार देती सरकार तो हमें इकट्ठा होना ना पड़ता है। जो कहां तक चलेगी अभी तो देखते हैं वैसे कहां तक जाएगी ये, पर जहां तक भी जाए हम विरोध करने के लिए तैयार हैं, इस सरकार का विरोध करने के लिए। क्या क्या मांगे आपकी फिलहाल? बस यही है कि हमारी भर्ती पूरी करे और रिजल्ट जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे और ज्वाइनिंग दे बस। हाँ जी बस। तो कहां कहां तक स्टूडेंट फिलहाल आ रहे हैं? ये तो पूरे हरियाणा के आए हुए जी। हरियाणा के बारात कहाँ तक जाओगी? बारात जड़े तक जाओगी, जड़े तक रोकनी आगे पाऊंगे, स्वागत आड़े पाऊंगे, वाड़े तक जाओगी। इवे माम तो तैयार हो लिया, सारे पूरे हरियाणा की टॉप करी मारी है, जो टॉप पर हरियाणा के वहां रहे हैं कोनू को नहीं आ रहे, पीछे हम ले रखे हैं बहुए बोतला ले रखे ना, जब नू देखो ना हरियाणा का युवा जब सड़क पा जाए है तो इसका मतलब के है जेनुअन आवाज, ये को गाड़ी हम भरके को ले रखे, को लोभ लालच में ले रखे, ये जमीर के हैं जिन्हें टॉप कर रखे है हरियाणा के, लाखों जिनके माता पिता ने इनते उम्मीद तीरी न कर दिया, रिजल्ट की ज्वाइनिंग का इंतजार है, सरकार कोर्ट में पैरवी क्यों नहीं करती? अब सरकार से ये कहते हैं स्ट्रॉन्गली पैरवी करो और इन बच्चों का जल्दी से रिजल्ट निकलवाए और इनकी ज्वाइनिंग कराए। यही तो बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो 2022 में 23 में जो सीटी की भर्ती हुई थी उनका रिजल्ट है जो अभी तक नहीं आया। झूठी बातें झूठी बकवास, अब युवा जाग चुका है, अपनी बात सड़क से उठाना शुरू कर चुका है, अब गुमराह नहीं होगा क्योंकि मेहनत कर रखी है, सालों कोचिंग में दे रखे हैं, पढ़ाई कर रखी है, रिजल्ट टॉप कर रखे हैं, फिर दिक्कत किस बात की है? तो ये तो ये है, ये तो कौशलेबाजी कोर्ट में क्या खातिर, कोर्ट में अगर खामी है तो वो पूरी क्यों नहीं करते, अगर कोर्ट में गया तो ताकतवर से पैरवी क्यों नहीं करते? महारा भाई नवीन जैन है उसके पास हम कई बार जानी है, उन्होंने कह दिया भर्ती पूरी करो, भंडारा करूंगा, फूलमाला भराऊंगा, लेकिन इन्हें फूलमाला हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने गुलदस्ते लेंदे आंदे, असली गुलदस्ता यो करीम है, यो करीम
जो हरियाणा का भविष्य है, हरियाणा को आगे लेके जाएगा। तो इनकी तरफ ध्यान दो, गुलदस्तों की तरफ ध्यान ना दो, वोटों से काम नहीं चलेगा, जनता को समर्थन चाहिए तभी बात बनेगी। तो हम तो यही कहते हैं कि हमारी मांग पूरी करो, और ये बरात देख लो कितना बड़ा काफिला है, ये हजारों की तादाद में युवा पहुंचे हैं, करनाल में पहुंचे हैं, और ये काफिला रुकने वाला नहीं है। मेन बात है यह, कोई इस पे मौके करनाल में खत्म हो जाएगा ना, यो चलता रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो। सरकार का विरोध भी करेंगे जी, हमें 23 अप्रैल 22 अप्रैल के दो हेयरिंग है सरकार के पक्ष में, यदि सरकार चाहे तो अपने ले सकती है। कोर्ट में जब पुरजोर प्रयास नहीं करा कोर्ट ने, कोर्ट से बाहर नहीं निकाली सरकार ने भर्तियां, तो हरियाणा में इलेक्शन 25 मई का है, 23 मई को प्रचार बंद होना है, 1 मई से 22 मई तक इनका जीना आराम कर देंगे हम गांवों में, क्योंकि हम गाँव के बच्चे हैं, हम ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। अब अप्रैल में हमसे अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार हमारी भर्ती निकाल, कोर्ट से बाहर निकाले, हमें रोजगार दे, हमें सड़कों पर मत छोड़े घूमने के लिए, हम करीम हैं, हम टॉपर हैं। लेकिन यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम सरकार का लोकसभा इलेक्शन में विरोध करेंगे। आज के दिन और अप्रैल में हम सरकार के पक्ष में हैं, हमें नहीं तो बाद में विपक्ष में जाएंगे, और ना तो हम 5 नंबर लेने के फेवर में, ना 5 नंबर छोड़ने के फेवर में। इस प्रकार सी टी के कुछ ग्रुप ही और ग्रुप डी का 95 नंबर में से रिजल्ट निकाला गया है, उसी प्रकार जो 56-57 वाले ग्रुप 56-57 है, टी जी टी है, टी जी टी जो साथी हैं, उनका भी रिजल्ट 95 में से दे दे सरकार। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, नायब सैनी जी से, आदरणीय नायब सैनी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं। सारे आपने तो फीलिंग ले ली सीएम बनकर, क्योंकि जब पत्रकार ने पूछा किसी ने कि कैसा लग रहा है, तो सीएम साहब ने कहा कि पूरी फीलिंग आ रही है। तो सर आप तो एक राजा बनकर फीलिंग ले गए, हम तो एक छोटी सी नौकरी के लिए फीलिंग लेना चाह रहे हैं, तो फीलिंग हमारे साथ शेयर करें सर, हम फीलिंग लेना चाह रहे हैं। हम आपके आपके विरोधी नहीं है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के दुश्मन नहीं है, हमें किसान के, मजदूर के, गरीब के, गांव देहात में रहने वाले एक आम परिवार के बच्चे हैं। सरकार ने अच्छे प्रयास करे थे बिना खर्च बिना पर्ची, लेकिन अब वो बिना खर्ची बिना पर्ची का मतलब ये नहीं है कि हम दो दो साल तक रोडों पर धक्के खाते रहें। सपने हमें सरकार ने दिखाए, सपने जॉब के सरकार ने दिखाए हमें कि हम आपको बिना पैसे टेस्ट बेस पर वृद्धि करेंगे। अब सरकार का हक है कि हमें रोजगार भी दे सरकार। बात बताओ सीधी सी बात है, विपक्ष कहाँ पे है भाई, ये काम किसका है, विपक्ष का होगा, पक्ष है ये काम है भाई, इनका काम करो। अगर पक्ष काम नहीं कर रहा तो विपक्ष का काम है कि भाई इनकी आवाज उठाओ, ये आवाज अकेला नवीन जैन चढ़े जाओ पूरे हरियाणा किधर चले जाओ, हमने तो आगे अच्छा नवीन जैन पावे है, आज भी नवीन जैन हमारे साथ है। तो हमें अब ऐसे झूठे लोभ लालची नेताओं की हमने कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी आवाज अपने आप से उठा सकते हैं, और नवीन जैन जैसे निस्वार्थ भाई की तरह हमें साथ दो और हमारी आवाज को बुलंद करो, तो हमें यही कहना। देखो कल जींद में मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे और एक युवा ने सीटी की भर्ती के लिए जो उनसे सवाल करा, लेकिन उन्होंने उसके सवाल को मजाक में टाल दिया, क्या लगा आपने इसके रोष प्रदर्शन को जो आज मजाक में टालेंगे? अब देख लो ना फिर उनके लिए मजाक नहीं बन रहा, नायब सिंह सैनी के को है कसूत, फीलिंग आ रही है, अरे फीलिंग का टेम को नहीं, राजा है तू राजा, राजा का काम है प्रजा दे गए सड़क पे शकर दू पा रहे थे कितना काम, अरे मजाक लग है आपने, इनके जिंदगी के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लग रहा है, इनसे ही हरियाणा का भविष्य है, ये बात सरकार भी समझ ले, सरकार के नेता भी समझ ले, विपक्ष के नेता भी समझ ले। अब आप ये सोच रहे हो कि इन गोली दे लोगे उसके काम को नहीं चल रहे, इन तो अब विपक्ष है तो आवाज उठानी पड़ेगी, पक्ष है तो काम करना पड़ेगा, मजाक में टाले तरन सोचो भाषण देकर मन तो पागल बना दिया ना, वह बात जाली, इब आप नहीं बेरा पाट रहा, मन नहीं बेरा पाट रहा, इन नहीं बेरा पाट रहा, अगर हमारे साथी के साथ मजाक उड़ाया गया तो हम कति बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को जो लास्ट में? यही कहना चाहेंगे भाई, अब ऐसे सरकार मानेगी नहीं, अपनी लड़ाई अपने आप से लड़नी पड़ेगी, ऐसी हमें इनके भरोसे, अगर इनके भरोसे रहे तो कुछ नहीं होना जाना, है 3-3, 4-4 साल हो गए इनके भरोसे थे, जब आखिरी में जब बिल्कुल ये हो लिया कि अब तो कोई ठिकाना नहीं है, नौकरी नहीं है तो ब्याह नहीं है, ब्याह नहीं है तो बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं तो परिवार नहीं है, ऊपर से माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए हम करें तो करें क्या, उन्होंने अपनी सारी कमाई हमारे पढ़ाई पे लगा दी, बात अब हमारी कमाने की आई तो ये सरकार ये कर रही है। तो अब तो यही कहना चाहेंगे कि सारे साथी आए, जहाँ तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है आप सभी, आपके जो देखने वाले हैं उन तक यही मैसेज है कि आप सभी आए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़े, बेरोजगारों की बारात पूरे हरियाणा में बेरोजगारों की आवाज उठेगी और मांग भी पूरी करवा के रहेंगे। सर
माननीय आदरणीय खट्टर साहब ने एक रांडा पेंशन शुरू करी थी, अपनी सुविधा तो देख ली उसने सीएम साहब ने, उन्होंने रांडा पेंशन शुरू कर दी। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते, रांडे की तो एक वोट होती है, उस दिन भी मनमाना रांडा तो दारू पी का पड़ा रहा है। वोट हमारी है, बैठाएगी है, जो हम फैमिलियर हैं, जो पारिवारिक लोग हैं हमारे, वोट हमारी है, वोट हमने देनी है। रांडे को सुविधा देकर वोट नहीं मिलेगी, हम रांडों का विरोध नहीं करते, लेकिन अपना खुद रांडे हैं, सीएम साहब पूर्व सीएम साहब रांडे थे, तो अपनी सुविधा के लिए उन्होंने पेंशन बना ली। लेकिन जो ब्याह आए हमें, जो स्कॉलर हैं, जो हमें एचटेट पीएचडी नेट जेआरएफ ये भाई सीटी वाले टॉपर, इस करीम को रोड पर ना छोटे सरकार, नहीं तो यदि ये बेरोजगार रोड पर जो घूम रहा है ना, ये सरकार को जो है ना, इस सरकार से बाहर करने का रास्ता भी दिखाना जानती है। और शिक्षक के लिए तो मैं एक बार कहूंगा, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने कहा था कि मैं रोड के मोड़ और शिक्षक की मरोड नहीं छोड़ूंगा, तो उस माननीय आदरणीय स्वर्गीय बंसीलाल को दोबारा सत्ता में आने का मौका नहीं मिला था। ये तो हम शिक्षक हैं, हम समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं, हम भविष्य निर्माता हैं। यदि हम विचारधारा को बदल देंगे ना लोगों की, तो इनको दोबारा राजगद्दी पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ये रोड पर आ जाएंगे। सरकार आप एक बात बताओ, जो माननीय चुनाव आयोग है वो इलेक्शन डिक्लेयर करता है एंड टाइम पर, फिक्स टाइम पर इनके इलेक्शन होते हैं, फिक्स टाइम पर इनके रिजल्ट आते हैं। यदि इनके रिजल्ट भी हमारे की तरह डिले कर दिए जाएं, तो इनको कैसा लगेगा, खून के आंसू रोएंगे ये हमारे साथ खेल कर। हम आज रो रहे हैं ना, तो आने वाले समय में सरकार का हम जीना आराम कर देंगे। मनोहर लाल खट्टर तक लेके उन्होंने सवाल करे सीटी की भर्ती के लिए, लेकिन उनका जवाब यह था कि मेरा हाथ में कौन है, क्या तक हो रहे इतना हाथ में, जो इतना बड़ा पद है उनके पास। एक छोटा सा चुटकुला कहना चाहूंगा, एक बार एक खोजी था पहले टाइम में, और उसने अपना साथी जो है वो भेज दिया, भाई तू अपनी भाभी ने लिया जब, और वो भाई अनपढ़ था, बोला था उसका छोटा भाई, बोला भाई मैं चला तो जाऊं ससुराल में, पर मैं क्या कहूंगा, बोले तू एक बार ना कह दिए, एक बार कह दिए, वो बोला आदमी था, वो भाई की ससुराल चला गया, तो उसकी जो सासू थी फौजी की, उसने पूछा बोला बेटा सब घर ठीक ठाक है, बोला ना मौसी, पहले उन्हें ना कह दी, अब बटेऊ फौज में था, तो उसकी मौसी ने सोची अगर उसका करे बटेऊ शहीद हो गया, हो बोला बेटा के बात तेरा भाई शहीद हो गया, अग बोला हाँ मौसी, तो दो दिन तक ना भेजी, अरे भाई उसको जो है ना, मौसी तो बोला मौसी बोला भेज दो ना, अग बोला ना भाई किसका गाला, हम तो तेरी भाभी तो रांड होगी, तो घर आ गया, इतने में फौजी आ लिया, फौजी ने पूछा भाई तेरी भाभी ने लिया नहीं, अग बोला भाई मैं क्यों कर लेंदा, मेरी मौसी ने बोली तेरी भाभी तो रांड होली, अरे फौजी बोला भाई जब तेरी भाभी रांड क्यों करोगी, मैं रहा, फौजी बोला भाई जब दो महीने पहले कुआ रांड हुई थी, तू आड़े ना इसी कराओ था, हैं दो महीने पहले फरवरी में सीएम पूरा सीएम ना ला, जब क्यों ना करी मारी भर्ती, मारे मजाक लेता हंडा गया सीएम, मारे मजे लिए पूरा सीएम ने हमारा मजाक उड़ाया स्टेज पर। इनकी जो गांव में इनका जो आयोजन होता था सरकार आपके द्वारे, उसमें अपनी बात रखी टीजीटी वालों ने, इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, हमारी बेइज्जती करी है, शिक्षक को अपमानित करा है। मोदी साहब का एक स्लोगन है भारत को विश्व गुरु बनाना, लेकिन मैं मोदी साहब से भी क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या बिना गुरु की कल्पना के, बिना गुरु के भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना आप सबको क्या झूठी नहीं लगती, एक जुमला नहीं लगती? शिक्षकों में इनके शिक्षक नहीं है, बच्चे पढ़ाई से महरूम रह गए हैं, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं ये देश को, गर्त में धकेलना चाहते हैं, बेरोजगारों की फौज खड़ा करना चाहते हैं, आज तो ये बारात है, बेरोजगारों को तो समुद्र बन चुका है। तो मेरा अनुरोध है सरकार से, लोगों को दुखी न करके, बिन स्कॉलर साथियों को दुखी न करके, इनको रोजगार दे, इनकी भर्तियां कोर्ट से बाहर निकाले। धन्यवाद सर। तो भाई देखो वीडियो आपने देखी, और बेरोजगार दूल्हे जो आपने देखे, कितने सारे दूल्हे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं दस नहीं पचास नहीं, सभी के सभी जो बेरोजगार दूल्हे है जो आपने दिखाई दे रहे। तो भाई इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो जो आगे तक पहुँच सके और इनकी मांगे है जो पूरी हो सके।